हेलो, हाँ बोलो बे। गुड मॉर्निंग सर, मतलब गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, बोलो बोलो। सर मैं अंशिका उपाध्याय, रिपीटर बैच में। हाँ हाँ तो आज रिजल्ट था ना रिपीटर का। हाँ हाँ कॉमर्स का था, जनरल स्ट्रीम का। हाँ 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 तो मैं पास हो गई। अरे वाह वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सर। क्या बात है। मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, आपको हाँ पता है ना। वो, हाँ वो पोलिंग स्टाफ है ना, उन्होंने मुझे बोला कि एक कोई लड़की है, उसने हमारे वीडियो देख के वो पास किया है वो एग्जाम। थैंक अच्छा अच्छा यू। कितने मार्क्स आए? मेरे 65। क्या बात है, इतने तो वो नॉर्मल लड़कों के नहीं आते। वो फर्स्ट एग्जाम देते हैं ना मार्च में, वो उसमें इतने नहीं आते। हेलो सर, हाँ हाँ मैं अंशिका की मम्मी बोल रही हूँ। थैंक यू सर, आपने जो दिया था उसकी तैयारी अच्छे से किया उसने, और नहीं, अच्छे नंबर से पास हुई। नहीं नहीं हम तो जो हर साल यही करते हैं, लेकिन आपको फायदा हुआ ये सुन के हमें बहुत मजा आया। इसीलिए मैंने फर्स्ट आपको आपके इंस्टीट्यूट में फोन किया, फिर आपसे आपसे बात किया। मुझे बहुत मैसेज बहुत भी मिला। हाँ मुझे मैसेज भी मिला कि एक बच्ची है जिसने वो हमारे वीडियो देख देख के तैयारी की और वो पास हो गई पूरे के एग्जाम में। हाँ सर, बहुत 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 थैंक यू। हाँ, और आपके गुजरे आपकी वीडियो देखा उसने, फिर आपको सब्सक्राइब किया, फिर रिपीटर एग्जाम के लिए फॉलो किया। गुजराती में आपने जो पोर्शन दिया था उसका उसने इंग्लिश में कन्वर्ट किया, फिर एग्जाम दिया और अच्छे नंबर उसे पास हो गई सर। हाँ, पूरा उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया। ये यूट्यूब में वीडियो देखे? हाँ हाँ आपका विद्याकुल में इंस्टीट्यूट में 500 फीस थी ना आपकी, तो उसमें ज्वाइन किया उसने, फिर आपका जो पोर्शन और वीडियो दिया था आपने उसको सब देखा और उसको कोशिश किया, फिर जो आपने हाँ जो आपने सोल्यूशन पेपर दिया था उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया, उसके बाद उसने पढ़ाई की और पास हो गई। और पास हो गई सर। थैंक यू। हमें यही चाहिए बस। नहीं नहीं हमें थैंक यू नहीं चाहिए, बस हमें यही चाहिए। बच्चा खुश होना चाहिए, उसको मार्क्स आने चाहिए कुछ भी करके। हाँ सर, नहीं इसके लिए तो टीचर तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। और हाँ, टीचर तो सबसे ज्यादा है। टीचर जितना अच्छा पढ़ाएंगे बच्चे उतना अच्छा पढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल पढ़ते हैं। सर, मुझे ये सुन के बहुत खुशी हुई कि हमने जो मेहनत की थी इस आशा में कि किसी को तो मदद होगी, लेकिन आपका फोन आया तो मुझे और मजा आया कि अगले साल और अच्छा करना है। मुझे मोटिवेशन मिला ये फोन कॉल की वजह से। नहीं नहीं सर, आपकी वीडियो उसके साथ मैं भी देखती थी, अभी भी डिलीट नहीं किया है। आपका पढ़ाने का ट्रिक भी बहुत अच्छा है, और हमेशा ऐसा लगता है कि अगर कोई ऐसा बच्चा हो तो मैं उसको बोलूं कि आप उसको ज्वाइन करो ये स्कूल ये बिल्कुल, कॉलेज। बिल्कुल मैम, अच्छी इन्फॉर्मेशन। प्लीज मैम आप जितनी दे सको ना उतनी देना, क्योंकि हम नहीं, जो फीस में बिल्कुल हम पढ़ाते हैं बिल्कुल ना, दूंगी। हाँ जो फीस में हम पढ़ाते हैं ना वो मतलब वो कई बच्चे कैसे होते हैं कि वो क्लासेस में जा सकते हैं, वो स्कूल में अच्छी स्कूल में जा सकते हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लेकिन कितने भी ऐसे बच्चे हैं कि वो उनके पास इनकम ही नहीं है उनके पेरेंट्स के पास, तो वो ट्यूशन क्लासेस की तो सोच ही नहीं सकते। स्कूल में तो चलो जाते ही नहीं है, तो ट्यूशन क्लासेस का तो सोच नहीं सकते। तो उनके लिए हम ये सब कर रहे हैं कि अगर बच्चे के पास कम इनकम है वो नहीं ज्वाइन हो सकता, क्योंकि अभी देखिए आप तो इंग्लिश मीडियम है, आप अगर इंग्लिश मीडियम का कॉमर्स में अगर कोई भी आप ट्यूशन में जाएंगे ना तो 25 हाँ, से 30 या 40,000 की फीस तो होगी। हाँ, 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 और अगर हाँ, हम गुजराती मीडियम में आएंगे ना तो उससे आधी तो आगे आधी, लेकिन 15-20,000 तो होगी ना। कोई हाँ, भी ऐसा हाँ, बच्चा नहीं है कि वो इतनी सारी फी अफोर्ड कर पाए। हम वही सेम क्वालिटी हम ऑनलाइन दे रहे हो 5,000 में, ठीक है, तो इससे हाँ, हमें ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा। लेकिन अगर जो कोई बच्चा है को 5,000 ही भर सकता है ना, तो उसमें हाँ, आ सकता है। हाँ तो ऐसे हाँ, बच्चे हाँ, वो हमारा टारगेट ऐसे बच्चे कि जिनके पास इनकम ही बहुत कम है, वो इनकम की वजह से उसका पढ़ना से ना रुके।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं गुजराती मीडियम को भी बोलूंगी और प्लस इंग्लिश मीडियम के भी जो बच्चे ब्राइट हैं और वो कन्वर्ट कर सकते हैं तो उनको भी मैं आपको आपके इंस्टीट्यूट फॉलो करने के लिए बोलूंगी। थैंक यू, थैंक यू। आप जैसे पेरेंट्स का कॉल आता है ना मैम, तो हमें अवार्ड मिला ना ऐसा ऐसा फील होता है, क्योंकि हम जो मेहनत करते हैं ना, हमें कोई ऐसा वैसा अवार्ड नहीं, जो क्रिकेटर्स को वैसे अवार्ड मिलते ना, हमें तो नहीं मिलते, लेकिन आपका कॉल है ना, यही मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है। थैंक यू मैम। कॉल ऐसे कॉल करते रहिएगा, अगर आपको कुछ भी जरूरत हो बराबर उसको। बच्चे का आपने तय किया कि कॉलेज का कोर्स कौन सा कोर्स लेना है ऐसा कुछ? वो उसकी उसका एयर होस्टेस में जाना है। अच्छा तो ओके ओके, अच्छा फिर तो उसमें तो सर्टिफिकेट कोर्स आता है ना उसमें? हाँ हाँ, उसमें एयर होस्टेस में जाना है और उसके बाद में अगर ये हो जाएगा तो बीबीए करना है। अच्छा हाँ, अब तो हो सकता है, अब तो पास हो गई ना तो सब कुछ हो सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू मुझे कॉल करने के लिए, थैंक यू, वेलकम।